हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं राजस्थानी दाल की पूड़ी। मोठ की दाल से बनाई जाती हैं। मोठ की दाल किसी भी किराना स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाती है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, राजस्थानी मोठ दाल की पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मोठ की दाल। धुली हुई मोठ की दाल है। हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए बहुत अच्छी तरह से धो करके भिगो देंगे। आइए इसको हम धो के भिगो देते हैं। फ्रेंड्स, 5 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, हमने दाल को बहुत अच्छे से धो करके भिगो दिया था। दाल बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हम इसके पानी को छान देंगे। फ्रेंड्स, मैंने दाल का पानी छान दिया है। इसमें से बिल्कुल पानी निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसको छलनी में रखा हुआ है। आइए अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने परात में 2 कप आटा ले लिया है। आधा कटोरी मैं इसमें बेसन मिक्स कर दूंगी। आइए फ्रेंड्स, मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच 1 और आधा चम्मच नमक लिया है, क्योंकि थोड़ा सा नमक तेज ही अच्छा लगता है। 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है। 1 चम्मच मैंने कस्तूरी मेथी ली है और ऑलमोस्ट 1/2 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ हींग ली है। फ्रेंड्स, हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए अगर आप हींग पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा ही डालें। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे साइड से इसमें दाल डाल दी है। अब इसमें मोमन के लिए 1/2 कप तेल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज में लेते हैं वो डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 1/2 कप तेल डाल दिया है, ऑलमोस्ट 2 बड़े चम्मच। इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले और दाल आटे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। फ्रेंड्स, मोठ दाल की पूड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पे गुनगुना पानी लेंगे। आटा लगाने के लिए हमें ठंडे पानी का यूज में नहीं लेना है। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमें पूड़ी वाला आटा लगाना है, एकदम सॉफ्ट लगाना है और वैसे हमें इसको टाइट लगाना है। हमें रोटी जैसा आटा नहीं लगाना है। मैंने नवाया पानी करके रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे मिक्स करती जाऊंगी और इसको बहुत अच्छे से मैं लगा लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया है। देखिए, सॉफ्ट है पर वैसे मैंने इसको टाइट लगाया है, क्योंकि दाल की पूड़ी का आटा है तो इसमें अगर थोड़ी देर रखा भी रह जाता है तो फ्रेंड्स ये ढीला हो जाता है, इसलिए हम इसको एकदम टाइट लगाते हैं। मैंने एकदम टाइट लगाया है और बहुत अच्छे से इसको मथ लिया है ताकि बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आपको जिस साइज की पूड़ी बनानी है आप उस साइज के पीस कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आटे के पीसेस कर लिए हैं। आपको जिस साइज की पूड़ी बनानी है उस हिसाब से आप पीस कर लें। अब हम इसको एकदम गोल कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको इस तरह से इसको एकदम बहुत अच्छे से गोल कर लिया है। इसी तरह से हम सभी पीसेस को गोल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी पीस को मैंने गोल कर लिया है। आइए अब हम बेल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं सभी पूड़ियों को बेल लूंगी। हमें बिल्कुल धीरे धीरे बेलना है इसको और एकदम पतला बेलना है। अगर आपको साइज बड़ा लग रहा है तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं,
पर हमें इसको जितना पतला हो सके उस उतना पतला इसको बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जहां तक हो सकता था उतना पतला इसको बहुत अच्छे से बेल लिया है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने एकदम पतला बेला है इसको। अब हम इसको अलग बर्तन में रख देंगे। फ्रेंड्स, मैं इनको थाली में रख दूंगी बना बना करके, क्योंकि अभी हम इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही सूखने देंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैं सभी पूड़ियों को इस तरह से बना लेती हूँ। मैंने पूड़ियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। अब हम इसको 15 मिनट के लिए हवा में रख देंगे, यानी कि पंखे के नीचे हम इसको रख देंगे ताकि थोड़ी सी सूख जाएं। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, हमने सभी पूड़ियों को पंखे के नीचे रख दिया था। देखिए एक तरफ से सूखी सी हो गई हैं, बिल्कुल सूख गई हैं ये। मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम पतली हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान से उठाना है इसको। देखिए, और इधर से ये गीली है, इधर से सूख चुकी है। आइए अब हम इनको तल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, गर्म होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पूड़ी को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें पूड़ी को कुछ ऐसे दबा दबा करके फ्राई करना है ताकि बहुत क्रिस्पी बनेंगी ये। साइड चेंज कर देंगे। हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी दाल की पूड़ियां फ्राई कर ली हैं। देखिए, लुकिंग में बहुत सुंदर लग रही हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। आइए सर्व करते हैं। राजस्थानी दाल की पूड़ी बिल्कुल तैयार है, हमने सर्व भी कर दी है। अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।